सच में वर्थ है, वन टाइम एक्सपीरियंस है। देख सकते हो नीचे से और ऊपर जाते 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 पूरा वो नैरो होता जाता है। तो निकलते अभी यहाँ से। तो अम्बुलावाड़ टावर से अभी जा रहा हूँ टुक टुक से गंपोला बस स्टैंड, जहाँ से मैंने ये पिक किया था। हेलो, छोटी सी टॉय ट्रेन है, कितने गिने चुने छह डब्बे लग रहे हैं। पता नहीं कौन सी जगह पे जा रही है। नुआरे एलिया गोस ट्रेन एला एला ओके एला की तरफ जा रही है ट्रेन। तो बस पहुंच गए अभी बस स्टैंड। बहुत ही अच्छा लगा। नीम सुधी बहुत ही अच्छे हैं, अगर आते हो यहाँ पे दिखे तो इनके साथ आप जा सकते हो। मैं बैठ चुका हूँ और ये देखिए टिकट भी मैंने कटवा ली है। तो ये है गंपोला से कोलंबो के लिए 476 और अभी फिलहाल बचे है 1:30, 5:30 तक मुझे पहुँचा देगी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं बैंटोटा, तो ये है साउथ पार्ट ऑफ द श्रीलंका। और अभी मैं रुका हूँ ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बहुत ही डिफरेंट जगह है ये, देख लीजिए। थोड़ा सा रिमोट एरिया है, मुझे लगा नहीं था जैसे मैंने पिक्चर्स वगैरह देखा था। और ये ओपन लाइक पूरा एक जंगल वाला व्यू है। कल मैं निकला था गंपोला से अम्बुलावा टावर देख के, तो मुझे कोलंबो की बस मिल गई थी। तो मैं जैसे 5 बजे कोलंबो पहुंचा और रात को मैं कोलंबो से बैंटोटा 8:30 बजे पहुंचा। अच्छी जगह है, नॉट बैड। तो ऐसा पूरा नेचर रिलेटेड बनाया हुआ है और ये देख सकते हो उसकी सीढ़ियाँ है, ऊपर भी एक रूम है, पूरा नेचर के अंदर है, ऐसा स्ट्रक्चर है पूरा। ये आप सीढ़ियाँ भी देखिए, बहुत ही अलग है। ये भी रूम्स है यहाँ पे, पत्थरों से बना हुआ, देख सकते हो आप। ऐसा है हॉस्टल, कुछ अलग ही है बना हुआ। तो अभी तो फिलहाल मैं अकेला ही हूँ बैठने के लिए। कुछ जिम है, ऐसी जगह पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। ऐसे डिफरेंट हॉस्टल है, कुछ अलग ही थी। यहाँ पे टुक टुक खड़ी है, बाइसिकल है और एक गाड़ी भी है, देखिए मछलियाँ भी है, अलग है। तो आज की जर्नी है बैंटोटा। तो जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम द नॉर्थ जापना, फिर जापना से हम लोग अनुराधापुरा होते हुए फिर मिड पार्ट हम लोगों ने कैंडी अलुलावा टावर, और वहाँ से फिर मैं आ गया लाइक साउथ पार्ट बैंटोटा। अभी ब्रेकफास्ट लग रहा है, मैं अकेला ही हूँ अभी, पूछा तो मैं अकेला ही अभी हूँ क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम है। पता नहीं कौन सा जूस है। We didn't put much sugar into the... No, no, it's okay. It's very okay. good. It's very good. Sour, but it's all right. Yeah. No, it's good. Okay. और ये आके होस्ट है मिस्टर हिमेश। हिमेश, यस। वेलकम टू श्रीलंका। तो ये अभी जहाँ पे स्टे है वहाँ से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा रिमोट एरिया है, बट अच्छा एक थोड़ा नया एक्सपीरियंस करने के लिए। काफ़ी शांत एरिया है, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रहा है। अच्छा लगता है कभी कभी साइकिलिंग करना, और स्पेशली जब रोड्स अच्छे होते हैं। ये साइकिल तो ले ली और आप देख सकते हो बारिश का बहुत अभी रात से गिर रही है। यहाँ की रिवर सफारी और रिवर एक्टिविटीज़ और कुछ सीक्रेट आइसलैंड है यहाँ पे। बट वही मैं सुबह बात कर रहा था होस्ट के साथ, हॉस्टल के जो होस्ट थे, तो बोल रहे थे कि बारिश की वजह से काफ़ी
अभी बंद है एक्टिविटी और मैं अकेला ही हूँ अभी, ये वहाँ पे रुका हुआ कोई नहीं है, तो शेयरिंग में भी कोई नहीं है, तो काफ़ी एक्सपेंस हो रहा है मुझे। तो जहाँ से मैं निकला ना आसपास तो सिर्फ नारियल के झाड़ ही झाड़ थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मैं केरला के साउथ के कोई छोटे से गांव में घूम रहा हूँ। छोटा सा विलेज है, बीच साइड है, यहाँ से गॉल नज़दीक है जो काफ़ी टूरिस्ट। क्रॉस हो रहा हूँ, फिशिंग कर रहे लगता है यहाँ पे, रुकता हूँ। अच्छा है, फिशिंग भाई, फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वेदर तो अच्छा लग रहा है, उतरता हूँ। यहाँ पे स्टैंड ही नहीं है साइकिल का। हेलो, अच्छा यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है और यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं सब। बोटिंग तो खड़ी है देखो, है अच्छा है बेंटोना, सॉरी बेंटोटा, अच्छी तो है जगह। बस यही कि अभी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से बोटिंग का नीचे जाके पूछता हूँ। बोट सफारी लिखा तो है वहाँ पे, चलो जाते हैं वहाँ पे। फाइन, यू फाइन, मिल गई क्या आपको? मिली नहीं? मिली नहीं? मिली? हिंदी समझते हो? नो, ओके। अरे भाई ये भी सोई हुई है, थकी हुई है। इसको भी सुला दिया, पार्क कर दिया। वेदर काफ़ी अच्छा है, लिखा तो है यहाँ बोट सफारी, पूछते हैं। लेट्स सी, श्री बोट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इधर वो रेस्टोरेंट है, पूछते तो है क्या है मामला बेंटोटा में। हेलो, ओके, बोट सफारी? ओनली वन? Less? One hour is nice. Yeah. How much? 7,000 rupees. 7,000? Oh, it's very expensive. For me, as a lone person. भाई सुना आपने, 7,000 अकेले बंदा, मतलब 7,000 श्रीलंकन रुपीस, फिर भी महंगा है। 2,000 रुपये के इंडियन, 2,000 रुपये के आसपास का। इसलिए ग्रुप्स होते हैं या फिर कभी कोई शेयरिंग में हो जाता है ना, तो आपको बहुत ही बजट में आ जाता है। अभी देखिए, अभी यही चीज़ बोट, मतलब ये पूरी फ्लोटिंग बोट है, आप पार्टी के लिए बुक कर सकते हो। ग्रुप्स रहता है ना, मिड साइड जाके आपको पार्टी करवाएगी। टूरिस्ट नहीं दिख रहे ज़्यादा भाई, लास्ट से लास्ट 6,000 बोला, 6,000 वो भी मुझे कॉस्टली पड़ रहा है, अकेला हूँ मैं। मैंने बोला 3,000 में कर दो, बोलते 3,000 में सिर्फ आधा घंटा ही होगा, मेन जो जंगल है। तो मैं देखता हूँ, आगे देखते होगा कोई ना कोई सफारी। अभी एक दिखा है, एक यहाँ पे दिखा है, तो डेफिनेटली आगे होंगे ही ऐसे दो तीन जगह पे, बजट निकाल के पूछते। चलिए, दिन तो अच्छा होगा ऐसा लग रहा है मुझे बेंटोटा का। ब्रिज क्रॉस किया ना, यहाँ पे देखिए रिवर एडवेंचर वाटर स्पॉट सेंटर बहुत सारे यहाँ पे, पूछते हैं यहाँ पे। Less, only one hour. एक घंटा या दो घंटा पूछ रहे, मैं बोला एक ही घंटा, देखते कि हाउ मच। बट भाई पहले बता तो दो मुझे, नीचे ऊपर करूँ मैं। है यहाँ सब जगह, यहाँ पे फ्लोटिंग, ये देखिए ये सब एक्टिविटीज चलती है यहाँ पे, तो चल तो है, चल तो रही है। ये वाली स्पीड बोट है, एक्टिविटीज़ तो है काफ़ी, लेकिन टूरिस्ट की कमी ऐसा लग रहा है मुझे, और मैं अकेला ही हूँ ना, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। हेलो भाई, तू पहले खुद को बचाएगा या मुझको बचाएगा? थैंक यू।